फ्रेंड्स, नमस्कार जी। कैसे हैं? आई होप के अच्छे होंगे और अपने इस बदलते मौसम में अपने प्लांट्स की बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात करूंगी अपने इस खूबसूरत कैलेंडुला पे। फ्रेंड्स, कैलेंडुला एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियों में ही ज़्यादा लगाया जाता है, बट अब तो मौसम में गर्माहट आ चुकी है तो थोड़ा सा अपने जो ये विंटर्स के प्लांट हैं इनको फ्रेंड्स ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे हमें अभी पूरा मार्च और फ्रेंड्स मार्च के बाद अप्रैल पूरा हमें ये अच्छे से फ्लावरिंग दे सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं। बट इनको थोड़ा सा धूप से बचाएं। जैसे मैंने अपने कैलेंडुला को हार्ड धूप में रखा था, फुल डेज की इसको धूप मिल रही थी, बट अभी मैंने इसको इसकी जगह चेंज कर दी है और फ्रेंड्स इसको मैंने ऐसी जगह रख दिया है जहाँ पर इसको कम धूप मिलती है। तो ये जो विंटर्स के प्लांट होते हैं ना फ्रेंड्स, तो जैसे मौसम में गर्माहट आती है तो गर्माहट आते ही ऐसा नहीं है कि ऑफ हो जाते हैं, थोड़ी सी इनको अगर केयर करी जाए इनकी तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा चल जाते हैं हमारे यहाँ और हम इनकी फ्लावरिंग का मज़ा महीने दो महीने ज़्यादा ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसा करें। और दूसरा फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ये सदाबहार देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये सदाबहार मेरे यहाँ पिछले साल का है और बहुत कम चांस होते हैं कि सदाबहार बचते हैं मेरे यहाँ। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और मैंने इसकी सर्दियों में कटिंग कर दी थी फ्रेंड्स, तो इसकी कई सारी ब्रांचेज निकल के आई हैं। अब ब्रांचेज निकल गई हैं तो अब मैं आपसे इसके लिए एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। वैसे तो ये फ्लावरिंग बड़ी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं, बट मुझे फ्रेंड्स इनकी जितनी भी ये ऊपर का एरिया है इनकी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर इस सीज़न में इसकी कटिंग कर दूंगी तो फ्रेंड्स इसमें बहुत घना निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास भी सदाबहार हैं तो उनकी कटिंग करने का बहुत अच्छा समय है फ्रेंड्स, इनकी काफ़ी अच्छी ब्रांचेस निकल के आएंगी, तो आप भी ट्राई करें। और इनकी कटिंग को आप थोड़ी सी ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ एक बार, जैसे अब ये है मुझे कटिंग करनी है तो मैं यहाँ से इतने एरिया से कम 2-2.5 इंच की कटिंग लें फ्रेंड्स, और कटिंग को ना फेंकें। फेंकने की जगह फ्रेंड्स इसको आप कहीं लगा दें, क्योंकि ये एक साल पुरानी कटिंग है तो अगर आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो फ्रेंड्स ये ज़रूर लग जाएगी। ट्राई ज़रूर करें क्योंकि सदाबहार कटिंग से भी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स।